हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है ड्रग इन्फो इंडिया। आज जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ वो है सिटाफिल का जेंटल स्किन क्लींजर जो नेस्ले कंपनी का होता है। कल मुझे कमेंट में किसी ने बोला था कि सर ड्राई स्किन के लिए कोई अच्छा फेस वॉश रिकमेंड कीजिए, तो उसी से रिलेटेड प्रोडक्ट आज अपने वीडियो में लेकर आया हूँ। तो ड्राई स्किन के लिए जो फेस वॉश मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ वो है सिटाफिल का जेंटल स्किन क्लींजर। इसे आप ना केवल अपने फेस पर लगा सकते हैं बल्कि पूरी बॉडी पर यूज़ कर सकते हैं एज ए बॉडी वॉश या सोप का अल्टरनेटिव मान लीजिए। कॉस्ट वाइज मैं आपको बता दूं, ये 125 ml का बोतल है जिसका प्राइस है 237 rupees। अब बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसा निकलता है। कुछ इस टाइप का ये प्रोडक्ट है, ये थोड़ा मिल्की टाइप का टेक्सचर है इसका और थोड़ा रनी प्रोडक्ट है ये ऑलमोस्ट एक लोशन जैसा है। तो मैं आपको बता देता हूँ इसको यूज़ कैसे करना है। इसको दो टाइप से यूज़ कर सकते हैं। पहला तो एज ए फेस वॉश, जैसे सभी फेस वॉश को यूज़ किया जाता है आप उसी तरह इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, आप इसको विदाउट वाटर यूज़ कर सकते हैं। आपको इसको थोड़ा सा लेके फेस पर अप्लाई करना है, उसके बाद किसी सॉफ्ट कॉटन क्लॉथ से या किसी सॉफ्ट टिश्यू से आप इसको वाइप कर सकते हैं। जैसे मिल्क बेस्ड क्लींजर होते हैं आप उस तरह भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा जेंटल है, इससे झाग बहुत कम बनता है, इससे ज़्यादा झाग नहीं बनता। अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव या ड्राई है तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आप ऐसा फेस वॉश यूज़ करें जो ज़्यादा झाग ना बनाता हो, क्योंकि झाग वाले फेस वॉश आपकी स्किन से ऑयल को रिमूव कर देते हैं और उसके बाद स्किन और ज़्यादा ड्राई हो जाती है। ये झाग नहीं बनाता और आपकी स्किन को मॉइस्चर देता है। ये आपकी स्किन के पीएच लेवल को मेंटेन करता है। ये फ्रेगनेंस फ्री है, इसकी अब कोई स्मेल नहीं है, इसमें कोई फ्रेगनेंस नहीं है। तो ये उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छा है जिनको किसी फ्रेगनेंस से एलर्जी है या फ्रेगनेंस पसंद नहीं करते, तो ये उनके लिए बहुत सूटेबल है। मैं आपको ये भी कहना चाहूँगा, अगर आपकी स्किन नॉर्मल स्किन टाइप भी है तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने मेकअप लगाया हुआ है तो ये आपके लिए यूज़फुल नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा जेंटल है और ये मेकअप को रिमूव नहीं कर पाता। इसको यूज़ करने के बाद भी मेकअप थोड़ा रह जाता है। ये डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड प्रोडक्ट है और इसको बहुत मामूली सा लिया जाता है, ये आम फेस वॉश की तरह बहुत सारा नहीं लिया जाता, उसका 1/3 पार्ट ही आप इसको ले पाएंगे, उसी से आपका काम चल जाएगा। ये 125 ml का बोतल आपका इजीली 2 मंथ तक चल सकता है। मैं जिनका ड्राई स्किन है उनके लिए सिटाफिल स्किन क्लींजर रिकमेंड करूँगा, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। तो ये था मेरी तरफ से सिटाफिल स्किन क्लींजर का रिव्यू। अगर आपके माइंड में इस प्रोडक्ट से रिलेटेड अब भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ड्रग इन्फो इंडिया, और मेरे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप बेल आइकन को भी हिट कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो, अब मिलेंगे आपसे कल एक नए वीडियो के साथ, एक नए प्रोडक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय।